हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि रेजिन रिलेटेड है। आज हम लोग बनाएंगे रेजिन किचन। रेजिन का फ़ोटो एंड नेम दोनों ऐड करके एक नया किचन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैंने सोचा नहीं था आप लोग इतना पसंद करेंगे मेरे वीडियो को। तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने मास्क पहन लिया और ग्लासेस भी लगा लिया और अभी मैं अपने जो मोल्ड है उसे क्लीन करूँगी सेलो टेप की मदद से। उसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो पहले आपके मोल्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस। और यहाँ पे मैं अपना रेजिन और हार्डनर दोनों लेके आ गई हूँ। अब हम इनको खोलेंगे। ये खोलने में बहुत दिक्कत आती है। आप लोग जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता ही होगा बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक आपके घर में कोई भी ख़राब कोई चम्मच स्पून वगैरह होगा तो आप उससे ऐसे इजीली खोल सकते हैं। पहले तो मेरे नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था इसे खोलने में। फिर मेरे इस दिमाग में कोई आइडिया आया तो मैंने सोचा कि इस चम्मच से खोल कर देखते हैं। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है। ये देखिए बहुत जल्दी हो गया, तो शायद आप लोगों के काम आए मेरा ये आइडिया। अब चलिए हम अब आपको ये दिखाएंगे कि हम रेजिन को, अगर आपका वेट मशीन नहीं है या फिर कोई मेजरिंग कप भी नहीं है आपके पास, तो आप कैसे उसे मापेंगे। अगर आपका रेजिन 3:1 रेशियो है तो यह ढक्कन में कुछ लाइंस दिया जाता है, तो आप उस लाइन के हिसाब से रेजिन को 3 लाइन तक भर दीजिए और हार्डनर को 1 लाइन तक भर दीजिए। और अगर आपका रेजिन और हार्डनर 2:1 रेशियो में है तो आप इसे 2 लाइन तक भर दीजिए और इसे 1 लाइन तक, क्योंकि किचन बनाने के समय हमें उतना ज़्यादा रेजिन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इस ढक्कन से भी इसे माप सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ मिक्स करना है अभी, तो आप लोग देखिए इसे एकदम स्लोली मिक्स करना है। करीबन 5 मिनट तक आपको इसे मिक्स करना होगा। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि इतना मिक्सिंग दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग धीरे धीरे करिएगा मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के तुरंत बाद ही आपको इसे यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मिक्सिंग के बाद उसमें बहुत सारा बबल्स आ जाता है, तो इसे थोड़ा समय रखना पड़ता है ताकि इसका बबल सेटल डाउन हो जाए थोड़ा सा। हाँ, सभी बबल नहीं चले जाएंगे सेटल डाउन होके, वो बाद में हमें रिमूव करना होगा, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा यहाँ पे रखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अभी थोड़ा है, तो मैं यहाँ पे बबल बस्टर जो है वो लेके आई हूँ। और यहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह मैं अपना सब कुछ लेके आई हूँ, फ़ोटो नेम फ्लावर, और मैं मोल्ड भी लेके आ गई जो मैंने क्लीन कर लिया था पहले से ही। अभी आप देख सकते हैं बबल बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मोल्ड के अंदर, तो आपको पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं इस पर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसका जो कॉर्नर है उसमें आपको स्टिक की मदद से चारों तरफ देना होगा, क्योंकि कभी कभी वो कॉर्नर में नहीं जा पाता तो वहाँ पे खाली रह जाता है, तो उसे स्टिक की मदद से करिएगा। अभी मैं फ़ोटो डाल रही हूँ ट्वीज़र की मदद से और इसे हम अब स्टिक से सेट कर देंगे। ये देखिए ये अपने आप सेट हो जाता है। और अभी मैं इस नेम को भी डालूंगी ट्वीज़र की मदद से और फिर वो स्टिक से हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक डेजी फ्लावर को हाफ कट कर लिया है और हाफ यूज़ करूँगी मैं। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, बार बार फिसल रहा था,
तो ये देखिए बबल सारा रिमूव हो गया। कैसे आप देख सकते हैं, एक बबल था ना वहाँ पे बहुत बड़ा, तो वो मेरी वो गन से रिमूव हो गया। अभी मैं कुछ हार्ट ग्लिटर्स इसमें ऐड करूँगी, जो कि मेरे कस्टमर ने बोला है मुझे ऐड करने के लिए। पहले मैं ऐसे ही उनको डाल रही हूँ, फिर स्टिक की मदद से एडजस्ट कर लूँगी और जैसा मुझे चाहिए। कोई भी ग्लिटर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लिटर्स आता है मार्केट में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो मेरे ग्लिटर्स की कलेक्शन आपसे शेयर करूँगी। और अब हम इसे ड्राई होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे, और इसमें जो बचा है वो भी हम अब डाल देंगे इसके ऊपर। और फिर इसे डालने के बाद फिर से एक बार हम इसे एडजस्ट करके और जो भी बाबल है थोड़ा बहुत वो भी रिमूव कर लेंगे हम। और इसे हम अभी ढक कर रख देंगे। इसे ढक कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इसमें डस्ट वगैरह गिर कर आपका रिजन आर्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। अभी हो गया है करीबन 1 घंटा, तो इसके बाद मैं इसमें दूसरा लेयर ऐड करूँगी। वो पहला लेयर थोड़ा सा सेट हो चुका है, तो इसमें मैं गोल्डन फॉयल पेपर ऐड करके थोड़ा सा रेजिन और हार्डनर में मिक्स करके इसमें डालूँगी, जो कि हमारा दूसरा लेयर होगा। और इसे डालने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे चारों तरफ, और जो भी बाबल होगा वो भी रिमूव कर लेंगे। आप जब बाबल रिमूव करेंगे तो साइड कॉर्नर्स में ज़्यादा वो ब्लॉटर्स मत चलाइएगा, वरना आपका मोल्ड जल सकता है। और इसे हम अब फिर से ढक कर रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो कल सुबह जब होगा तो देखेंगे ड्राई हुआ कि नहीं। 12 घंटे तक हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 24 आवर भी लग जाता है। तो अभी मैंने ग्लास भी उतार दिया अपना। ये वीडियो मेरी 24 आवर्स के बाद है, ये मैं देख रही हूँ कि ये अच्छे से ड्राई हुआ कि नहीं। तो ये ड्राई हो चुका है। पहले आपको इसे साइड से अच्छे तरीके से खोलना होगा, तुरंत ऐसे ही अचानक से मत खोलिएगा वरना मोल्ड लेकर बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा जो किचन है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। और अभी हम इसको ड्रिल मशीन के मदद से होल करेंगे, और इसमें जो जो चीज़ें डलवाना है वो डलवा देंगे, जंप रिंग ये सब। तो अभी होल कर रही हूँ मैं। आप हैंड ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से होगा, आपके ऊपर है। इलेक्ट्रिक ड्रिल जो है वो थोड़ा सा महंगा होता है, और हैंड ड्रिल जो है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। तो ये किचन ये सब में अगर होल करना है तो हैंड ड्रिल से हो जाता है इजीली, इसमें इलेक्ट्रिक ड्रिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप, जबकि इतने लोअर प्राइस में आपका काम हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया अपना होप सब कुछ। अभी मैं एक लटकन लगाऊंगी इसके कलर से मैच करके, लेवेंडर कलर का यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसे। तो लीजिए अभी रेडी हो गया मेरा किचन, और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे मैं अपना ब्रांड का जो कार्ड है मेरे पेज के नाम से उसमें इसे डाल दूंगी। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में इन कार्ड्स को दिखाया था कि मैंने अपने पेज के नाम से बनवाया है, और इन बैग्स को भी मैंने दिखाया था, मैंने अमेज़ोन से लिया था किचन पेंडेंट ये सब डालने के लिए। तो इसमें मैं अपना किचन डाल रही हूँ, और डालने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसे। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ और किचन्स भी शेयर करूँगी जो मैंने पहले बनाया था, और उनका मैंने वीडियो नहीं किया था जब मैंने बनाया था, लेकिन उनका कुछ रील्स है मेरे पास, तो वो ऐड कर दूंगी आप लोगों के लिए, आप लोग देख लेना। तो मेरा आज का वीडियो बस यही तक, किचन बनाने का जो प्रोसेस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
टाटा बाय बाय।